हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मसाले बड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी होती है खाने में और टेस्टी होती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। वैसे मैं एक बार कढ़ी बड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और मैं इस बार इसे मसाले के साथ बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए मैंने ये बेसन को फेंट के रखा है। मैंने बेसन को फेंटा, उसमें नमक, हल्दी, जीरा और एक पिंच हींग डाला है। मैं इसे मिक्स करूंगी और इसको अच्छी तरह फेंटना है। इतना फेंटना है कि ये पानी में ऊपर आने लगे। मैं दिखाती हूँ इसको। और ये मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और ये प्याज, एक प्याज को काटा है, इसकी मैं पेस्ट बनाऊंगी। ये टमाटर की भी मैं पेस्ट बनाऊंगी। एक बड़े साइज की मैंने टमाटर ली थी। और ये हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर है। मैं जब इस मसालों की पेस्ट बनाऊंगी तो साथ में उसको भी मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लूंगी। और ये हींग है। और ये तड़के के लिए थोड़ी सी जीरा, तेजपत्ता और साबुत लाल मिर्च। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ तो मैं इसे पहले अच्छी तरह से फेंट के आपको दिखाती हूँ। ये बेसन में मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और इसमें इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है जिससे कि गांठ ना बने। और बाकी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ज्यादा पतली होने पे फिर ये इसकी बड़ी नहीं बन पाएगी। और इसको इस तरह से हाथों से ही मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करनी है जिससे कि ये पानी में ऊपर आ जाए। ये मैंने इसको अच्छी तरह से फेंटा है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तो फेंटना ही है। ये इसको इस तरह से हम पानी में डालेंगे तो ये देखिए किस तरह से ऊपर आ गया है। तो अब इसकी मेरी सॉफ्ट बड़ी बनेगी, नहीं तो क्या होता है, बड़ी अंदर से गांठ हो जाती है बड़ी में। अब मैं इसे निकाल गई। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। ये मैंने कढ़ाई में ये तेल डाल दिए। ये मैंने सरसों के तेल डाले हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा सरसों का तेल यूज करते हैं सब्जी बनाने में। आप चाहे जो भी तेल डालें लेकिन ये सरसों के तेल में ज्यादा अच्छी बनती है। तेल मेरी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये डालूंगी। मैं हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर इस तरह से इसमें डालनी है। इस तरह से थोड़ा ऐसे हाथों में पानी लगा के फिर ये घोल लेके और इस तरह से देखिए तेल में खुद ही ऊपर आ जाएगी। इस तरह से छोटी छोटी बना लेनी है। ये इस तरह से मैंने सारी बड़ियां डाल दी है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है जिससे कि बढ़िया अंदर से कच्ची ना रहे। ये देखिए इस तरह से खुद ही ऊपर आ जाती है। और ये इसलिए इसको फेंटने में कंजूसी नहीं करनी है, इसको अच्छे तरह से फेंटनी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाने का सोडा डाल देते हैं कुछ, लेकिन उसके स्वाद में बहुत ही अंतर होती है। अब फेंट के बनाई और अच्छे चने की बेसन हो तो प्रॉपर अच्छी बढ़ियाँ बनती है। और खाने का सोडा, बेकिंग सोडा अगर हम डालते हैं तो उसके स्वाद में थोड़ी डिफरेंस हो जाती है। इसे शुद्ध चने का बेसन लीजिए और फिर इसे अच्छी तरह से फेंट के उसे बनाइए तो इसकी स्वाद ज़्यादा अच्छी होती है। ये बढ़िया मेरी दोनों तरफ से ब्राउन हो गई है अच्छी तरह से। अब मैं इसे निकालूंगी और बाकी की भी सारी बढ़िया बना लूंगी। इसी तरह से मैंने ये बाकी की बढ़िया भी डाल दी हैं। और इसकी साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटे बड़े कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं होते हैं। ये इस तरह से मैंने पलट दिया था, ये खुद ही पलटने लगती है इस तरह से। अब मैं इसको भी उसी तरह से ब्राउन करके निकाल लूँ। ये मेरी बढ़िया सारी तल के निकाल लिए हैं। अब मैं ग्रेवी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने पैन गर्म होने के लिए रखा है और जो तेल बचे हैं बढ़िया तलने में, जो तेल बचे हैं वही तेल मैं डाल के ग्रेवी बनाऊंगी उसी में से, क्योंकि दूसरा तेल नहीं यूज करना है। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है क्योंकि मैं आज मसाले बड़ी बनाने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने मसालों का ज़्यादा यूज किया है, प्याज लहसुन। वैसे एक बड़ी जिसमें हम बिना प्याज लहसुन की भी बनाते हैं, इसमें मैं सारे मसाले यूज करूँगी। ये मैंने प्याज लहसुन टमाटर जो मैंने आपको दिखाया था, अदरक हरी मिर्च सबके साथ में पेस्ट बना लिया और मैं इसे डाल दूँगी तेल में। अभी तड़के वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। ये मैंने सारे मसाले को साथ में डाल दिया और मैंने जो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ली थी उसकी भी मैंने पेस्ट बना ली थी पानी डाल के, उसे भी डाल दूंगी। और मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी कि जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दें। ये मसाले मेरे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब देख रहे होंगे इसमें से तेल भी अच्छी तरह से निकल गया। अब मैं इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल दूँ। ये मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दी क्योंकि इसमें ग्रेवी जाएगा जो कि सोक करेगी बनी।
अब मैं इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी। ये मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल दिया और एक उबाल आने पे इसमें जो बढ़िया जो मैंने फ्राई करके रखी है वो डाल दूंगी। इसमें उबाल आने लगे हैं, अब मैं इसमें बढ़िया डाल दूंगी, ज्यादा खौलाना नहीं है, एक थोड़ी सी जैसे कि गर्म हो जाए सिर्फ पानी। सारी बढ़िया डाल के इसे ढक दूंगी और ढक के इसका फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी 5 मिनट के लिए। बीच में मैं इसे देखूंगी कि ये बढ़िया सॉफ्ट हुई है कि ये मैं ढककर कर लूँ। ये देखिए ये बनी हुई अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। मैं इसे तोड़ के देख लेती हूँ, आप ऐसे भी देख सकते हो नहीं तो आप इस तरह से इसे ये देखिए मेरी बड़ी कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने ये थोड़ी सी जो मेरी बेसन बची थी 1 चम्मच के करीब उसमें पानी, क्योंकि इसमें मसाले मैंने डाले हैं तो इसको इसका रस ज्यादा पतला करने के लिए थोड़ा ज्यादा पानी मैंने डाल दिया और गर्म मसाले ये मैं ऊपर से डाल दूंगी और इसको अब ढक दूंगी। ये बड़ी मेरी अच्छी तरह से पक गई, ये मैंने गर्म हो गई, तेल डाली हूँ मैं, ये गर्म हो गया। अब मैं इसमें तड़के लगा दूंगा, ये मैंने जीरा तेजपत्ता और मिर्ची और 1 इंच मैंने ये हींग की डाली है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह से इसे चटकने के बाद इसे तड़के लगा दूँ। ये बेसन की बड़ी मेरी बन के तैयार है, आप लोग इस तरीके से जरूर बनाइएगा। धन्यवाद।